जज नहीं दर्शकों, मैं हूं अंजलि और एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम प्रमाण तो है पर अधिकार नहीं की सीरीज के इस चौथे एपिसोड में, जिसका नाम है गिरनार तीर्थ जैनों का पर अधिकार नहीं पूजन का। गुजरात का सबसे ऊंचा गिरनार पर्वत प्रभु नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली के साथ ही जैन धर्म के 70 करोड़ 700 मुनियों की मोक्ष स्थली है, जिस पर विगत कई सालों से दिगंबर जैन समाज पूजा करने का अधिकार खोता जा रहा है। मतलब अपने ही तीर्थ की टोंक पर आप निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, चौकी है नहीं, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इसकी वजह और कौन है इसका जिम्मेदार। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये वीडियो जो आपने अभी देखी, ये वर्ष 1964 की है, जिसमें फिल्म डिवीजन द्वारा गुजरात सरकार के लिए वर्ष 1964 में गुजरात के पहाड़ों और मंदिरों पर विशेष रिपोर्ट है, जिसमें गिरनार जी की पांचवी टोंक साफ तौर से दिखाई गई है। वीडियो में जैन छत्री और नेमी चरण साफ नजर आ रहे हैं। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन जी ने कहा कि जब सब कुछ प्रमाणिकता के साथ है तो दर्शन का अधिकार क्यों नहीं। आज हम नेमी चरणों को नहीं देख सकते, दर्शन नहीं कर सकते, क्यों? इतिहास गवाह है, हजारों वर्षों से वहां जैन समाज ने दर्शन किए। मैं किसी कमेटी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? 1874 में पुरातत्व विभाग का ब्रिटिश इतिहासकार वर्गीस उस पर्वत राज पर जाता है, उस पांचवी टोंक पर जाता है और उसने प्रमाणित रूप से लिखा है कि वहां पर भगवान नेमिनाथ के चरण उकेरे हुए हैं। वहां पर एक ओपन चैम्बर है, एक छत्री है, वहां पर एक घंटा लटका है और वहां पर एक दिगंबर साधु विराजमान है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? अयोध्या मुकदमे में अगर आप देखेंगे, केवल पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर वो मुकदमे का हल किया गया, लेकिन जैन समाज के इस पवित्र तीर्थराज पर क्यों? मेरा सवाल है, क्यों वहां पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा? ये वीडियो इस बात की प्रमाणिकता सिद्ध करता है कि ये जैन तीर्थ है, इसके बावजूद भी टोंक पर लाडू चढ़ाने और दर्शन का अधिकार समाज को नहीं है। वर्ष 2013 में अगस्त महीने से फरवरी 2016 तक गिरनार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रह चुके सुधीर जैन जी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने प्रयास किए। उन परिस्थितियों में तीर्थ यात्रियों का निर्भय होकर पांचवी टोंक पर दर्शन करना दुर्लभ है। पंडों के द्वारा, महंतों के द्वारा वहां बैठे हुए अनाधिकृत कब्जा जमाए हुए साधुओं के द्वारा तीर्थ भक्तों को ना तो चरणों के दर्शन करने दिए गए और ना ही जयकारा या जिस विधि से हम भगवान का दर्शन करते हैं हमें करने दिए गए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर जैन जी ने जैसा बताया कि उस दौरान दर्शन करने और जयकारे लगाने का भी अधिकार नहीं था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन में उस वक्त के गृह मंत्री का भी सहयोग लिया। अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ में प्रशासन के उस वक्त के गृह मंत्री श्री चुदासमा जी का सहयोग लेते हुए महंतों से, भारती बापू से, श्री गोपालन जी के साथ कई बैठकें की कि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आए और तीर्थयात्री बिना किसी भय के वहां सिर्फ भगवान के
सिद्ध क्षेत्र में भगवान के चरणों के दर्शन कर सके, जयकारा बोल सके, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। हमने श्रद्धेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी से भी उनका मार्गदर्शन लेते हुए, उनके साथ चर्चा करते हुए भी अनेक प्रयास किए कि हमें इसमें सफलता मिल जाए, लेकिन सारी प्रयास निष्फल रहे। उसके बाद 2016 में कमेटी द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बाद भक्तों ने समाधिस्थ आचार्य श्री निर्मल सागर जी मुनिराज के सानिध्य में पांचवी टोक के बाहर निर्वाण लाडू चढ़ाया, जो कि आखिरी बार था। तब भी आचार्य श्री ने सचेत किया था, सुनिए। नैमिनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए हमने गुजरात प्रशासन के गृह मंत्री, वहां के जूनागढ़ के स्थानीय प्रशासन के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को पत्र द्वारा सूचित किया कि हम पूरी जैन समाज बहुत शांतिप्रिय ढंग से भगवान का निर्वाण लाडू पांचवी टोंक पर भगवान के चरणों के समीप ही चढ़ाएंगे। आप कृपया लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमें अनुमति दें और अपनी व्यवस्था करें। उनके पत्र आए, हमारे साथ उनकी बैठकें हुई और उन बैठकों में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, महंतों के प्रतिनिधि सभी के साथ बैठकर हमारी चर्चाएं हुई, लेकिन हम अपने इस भावना से नीचे नहीं डिगे कि हम भगवान का निर्वाण लाडू पांचवी टॉप पर जाकर ही चढ़ाएंगे और इन दो वर्षों में हम सफल भी रहे। लेकिन बाद के वर्षों में वहां के जूनागढ़ के प्रशासन ने हमारे भक्तों को ऊपर नहीं जाने दिया, तीसरी टोंक के ऊपर नहीं जाने दिया। बाद के वर्षों में नीचे पहली टोंक से ही हमें द्रव्य सामग्री लेकर ऊपर जाने की हमें अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने तक की भी स्वीकृति नहीं दी थी और इसी के साथ शुरू हुआ धमकियां मिलने का सिलसिला। तीसरी टोंक पर हमारे आवेदन, हमारे आग्रह पर स्थानीय प्रशासन से कि सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं कंट्रोल रूम बनाकर देने की सारी व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने खर्चे पर करेगी, जिसकी हमें स्वीकृति नहीं दी गई, मंजूरी नहीं दी गई। बाद के दिनों में ये सब और भी हमारे साथ, तीर्थ भक्तों के साथ, तीर्थ यात्रियों के साथ और भी दुर्व्यवहार की बहुत सीमाएं लांघ दी गईं। तीर्थ यात्रियों को धमकियां दी गईं कि हम तुम्हें नारियल की तरह नीचे फेंक देंगे। हमारे ऊपर डंडों से प्रहार हुए, जिसका भुक्त भोगी मैं स्वयं हूँ, अपने आदरणीय स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जी मार्सन्स, जो उस समय उत्तरांचल के अध्यक्ष थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, उनके साथ हम भुक्त भोगी रहे। तो वहीं शिवपुरी से लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके महेंद्र जैन जी ने बताया कि कैसे कोरोना काल में दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई। बस 2020-21 में कोरोना काल के समय गिरनार जी की पांचवी टोंक पर पुनः बाबा महेश गिरी और उनके समर्थकों द्वारा दत्तात्रेय भगवान की एक बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी गई और वहाँ पर महाभारत काल से स्थापित श्री नैमिनाथ भगवान के चरण और उनकी प्रतिमा जी के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके ऊपर कलर लगाकर उन्हें परिवर्तित करने का भी कुत्सित प्रयास किया गया। तो सुना आपने कि कैसे उस समय हमारे अधिकारों का हनन होता था, जबकि तीर्थ हमारा है। अब हो सकता है आपको कुछ तथ्य ना पता। इतिहास की बात करें तो गिरनार पर्वत पर
वर्ष 1463 में 13 मई को प्रसिद्ध राजा मंडलिका के शासन काल में नेमिनाथ भगवान प्रतिमा की स्थापना की गई। और ये भी जान लीजिए कि नेमिनाथ भगवान के उज्जयंत पर्वत से मोक्ष जाने का उल्लेख पुरातत्व विभाग के पश्चिमी सर्कल द्वारा 1911 की रिपोर्ट में प्रामाणिक रूप से भी प्रकाशित। पुरातत्व विभाग की 1911 की रिपोर्ट में सभी प्रमाण आपको मिल जाएंगे। तो वहीं वर्ष 1890 में नेल्सन और वर्ष 1900 में कर्जन द्वारा प्रामाणिक फोटो क्रम संख्या 2x651 और क्रम संख्या 4308342 ब्रिटिश लाइब्रेरी में संग्रहित है। प्रसिद्ध सोमनाथ पाटन मंदिर वेरावाल गुजरात के पुलिस स्टेशन के पास से प्राप्त 11वीं और 12वीं सदी के गिरनार शिलालेख जूनागढ़ संग्रहालय में ही संग्रहित है। यानी इन प्रमाणों में कोई कमी नहीं है। आगे बात करें तो गिरनार अपर कोट से प्राप्त प्राचीन जैन तीर्थंकर प्रतिमा मस्तक जूनागढ़ संग्रहालय में संग्रहित है, जिसमें 12वीं और 13वीं सदी की प्राचीन मूर्ति के ऊपरी भाग में 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ व श्रद्धालु दंपत्ति है और एक प्राचीन पाषाण पिलर पर वर्ष 1188 में उत्कीर्ण जैन संत व शिलालेख होना जैन तीर्थ होने के अकाट्य प्रमाण है। आपको पता हो तो गिरनार पर्वत पर हाथी पगला जाने वाले रास्ते में एक पिलर पर उकेरी दो जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं के शिलालेख में चुड़ासमा शासन में 18 अप्रैल 1262 को गिरनार को रेवतगिरी महास्थान संबोधन का उल्लेख है, जो पर्वत के जैन धर्म से संबंधित होने का भी अकाट्य प्रमाण है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भी नेमी मोक्ष स्थल फोटो संलग्न है, बावजूद इसके अधिकार नहीं है। गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान की यक्षी अम्बा माता के मंदिर का वर्ष 1890 का फोटो होना और इतिहासकार वर्गीस ने भी अपनी 1875 की रिपोर्ट में अम्बा माता के मंदिर की देखरेख होने का अभाव बताया था। विश्व जैन संगठन ने जितने प्रमाण हमारे साथ साझा किए उनसे साफ जाहिर होता है कि गिरनार पर्वत पर जैनों को पूजा करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद भी कई बार पर्वत पर जैन श्रद्धालुओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है, जिसकी कुछ वायरल वीडियो सच्चाई बयां करती नजर। वीडियो हालांकि पुरानी है, पर ये सच है जो कभी नकारा नहीं जा सकता है कि कैसे 5वीं टोंक पर पंडों द्वारा जैन यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और तो और हद तो तब हो गई जब इसी वर्ष 2024 में 13 जुलाई को नेमिनाथ भगवान के मोक्ष स्थल पर गिरनार जी की 5वीं टोंक पर समर्पण हेतु जैन श्रद्धालुओं द्वारा ले जाए गए निर्वाण लाडू और चावल की तराशी को लेकर जबरन छुड़ा लिया गया, जो गुजरात हाई कोर्ट के 17 फरवरी 2005 के आदेशों का साफ तौर पर उल्लंघन है। क्यों 17 फरवरी 2005 को जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन नहीं किया जा रहा? एंशिएंट मोनूमेंट के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई इस तरह का मोनूमेंट रजिस्टर्ड है तो वहां पर कोई नहीं रहेगा। वहां पर क्यों अतिक्रमण है? हमारी लड़ाई किसी पंडे या किसी संस्था से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से है। ये भेदभाव सिर्फ जैन समाज के श्रद्धालुओं के साथ ही नहीं है। बात करें वर्ष 2013 में 1 जनवरी की, तो गिरनार पर्वत पर मुनिश्री प्रबल सागर जी महाराज पर जानलेवा हमला होना किसी से छुपा नहीं है। क्या 10 साल पहले मुनिश्री को चाकू लगा, उससे किसी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? इसका मतलब भारत के प्रमुख धर्मों में जैन धर्म आप भूल गए होंगे। शायद 1 जनवरी 2013 को गिरनार पर्वत पर परम पूज्य मुनिश्री प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया। अभी हाल ही में वर्ष 2024 में महंत महेश गिरी द्वारा तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू चढ़ाने को सार्वजनिक रूप से षड्यंत्र बताया गया था, जिसका विरोध समाज ने किया था, जिसके खिलाफ विश्व जैन संगठन के सदस्यों ने ज्ञापन भी दिया। एक सुरमायम कीधु छे के निर्वाण लाड़ू चढ़ावी देवामां आवामां षड्यंत्र के एवं कहीं थासे तो बद्दा मळीने उग्र विरोध करशे ने उग्रतानो पछी 3 नवंबर 2023 को गुजरात रेजिडेंट कमिश्नर को गुजरात भवन दिल्ली में विश्व जैन संगठन के सदस्यों ने ज्ञापन दिया और महंत महेश गिरी जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी। आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से हमने गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि वो जो है जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, जो वहाँ पर घूमने की बहरने के नियम हैं, गुजरात मोनूमेंट एक्ट के नियम हैं,
और वन विभाग के नियम है उन सब का पालन हो, आदेशों का पालन हो। और बिल्कुल वहाँ पर हम चाहते हैं कि पूरे पर्वतराज पर पांच विशेष रूप से पांचवी टोक पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, पूरे पर्वत पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाए। इसके साथ हमने मांग की है जिस प्रकार से महेश गिरी ने वहाँ पर जैन समाज को बदनाम करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गिरनार तीर्थ के लिए कई बार आंदोलन भी हुए। 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व जैन संगठन द्वारा विशाल सभा रखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के बंधु इकट्ठा हुए और तीर्थ के लिए आवाज उठाई। लेकिन स्थिति अब भी जस की तस है। देश के सकल दिगंबर जैन समाज के साथ ही दिगंबर संतों ने भी तीर्थ की सुरक्षा के लिए मांग की। वर्ष 2004 में पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज द्वारा दिल्ली से गिरनार जी की पांचवी टोंक पर अवैध निर्माण के विरोध में जारी पत्र। आचार्य श्री निर्भय सागर जी मुनिराज द्वारा पांचवी टोंक पर सुरक्षित दर्शन और सीसीटीवी कैमरे की मांग तो वहीं आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने कहा था कि गिरनार जी और जैन तीर्थों पर अतिक्रमण जैन ही नहीं भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात। पहला पॉइंट तो ये है, 5 सीसीटी कैमरे लगना चाहिए हर मंदिरों में, हर क्षेत्रों में है। सरकार इतना रोप भी लगा सकती है तो सीसीटी कैमरे नहीं लगा सकती क्या? नहीं लगा सकती, हमें स्वीकृति दे, हम लोग लगवाते, आशीर्वाद स्वीकृति दे। लेकिन नहीं देंगे, क्यों? वो अवैध तरीके से काम कर रहा पूरा, इसलिए वो नहीं करने दे रहे। अब बात आती है, जब मालूम है अपना तीर्थ क्षेत्र है, ये तो निश्चित है, सारे प्रमाण है, सब कुछ है, तो हम जब दर्शन करने जाते हमें कोई प्रतिबंध नहीं होना, हमारे साथ छेड़खानी नहीं होना, साजी हमें दर्शन मिलना चाहिए वहाँ, ये अपना और मांग है। पांचवी टोंक पे हमें जैसे दर्शन मिलते रहे और पूर्व स्थिति थी वो दी जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। इतना ज्यादा साम्य भाव या शांत भाव नहीं रखना चाहिए कि हम अपने तीर्थों को खोते चले जाएं और शांति से बैठे बैठे मुस्कुराते रहते चले जाएं, भैया ठीक है तुम लूटते जाओ हम बनाते जा रहे हैं। आज यही हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जागृत करें और ये जागृति का समय है। जब सब लोग अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो आपको भी अपने अधिकार साम्य भाव से, शांत भाव से उन अदालतों के माध्यम से इतने मांगने चाहिए ताकि हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर जिनकी निर्वाण भूमियां हैं वो निर्वाण भूमियां तो कम से कम हमारे लिए दर्शन और पूजन के लिए। दिगंबर संतों के साथ ही पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने 1930 और 1954 में गिरनार की पांचवी टोंक पर जैन पुजारी द्वारा नेमी चरणों और प्रतिमा की पूजा करने की बात कही थी। बोले जिन शासन को चुनौती दी जा रही, गिरनार को लेकर के जितना स्क्रिप्चर जैनिज्म में और कहीं पर, सत्ताधीशों को कभी सत्ता पाकर के अंधा नहीं होना चाहिए। सत्ता मिली है तो कल्याण करने के लिए मिली, जुलूम करने के लिए नहीं। बहुत गौरव से कहने का मन होता है कि जिन शासन में बहुत राजा हुए लेकिन कभी उन्होंने कभी 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 भूल करके किसी दूसरे के मंदिर पर जुलूम नहीं किया, कि जिन शासन ने कभी जुलूम करना सिखाया है, हमने हमेशा मलम ही लगाया। आज गिरनार जिन शासन के लिए चुनौती बन, प्रमाणों के साथ कुछ सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए, जैसे कि प्रसिद्ध जूनागढ़ किले से प्राप्त
नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा वाले प्राचीन जैन मंदिर के लिंटल और पिलर्स जिस मंदिर के भाग हैं, वो प्राचीन जैन मंदिर कहां गए? विश्व जैन संगठन चाहता है कि पुरातत्व विभाग जांच करे। 1890 में नेल्सन द्वारा ली गई गिरनार की फोटो में पांचवी टोक पर जैन छतरी जो दिखाई दे रही है, वही 1981 में बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, जिसका विभाग द्वारा पुनर्निर्माण नहीं होने दिया गया। आखिर क्यों? वर्ष 2006 में गिरनार की पांचवी टोंक पर जैनों को सुरक्षित दर्शन करने व अन्याय न होने देने का आश्वासन तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल मंदिर जी में अनशन कर रहे जैन आचार्य मेरुभूषण जी मुनिराज को अनशन तोड़वाने के लिए दिया गया था, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। क्यों? गिरनार अभयारण्य क्षेत्र में पूर्व सांसद महेश गिरी द्वारा राजनीतिक दबाव बनाकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लिए बिना जबरन पानी के टैंक के अवैध निर्माण पर गुजरात वन विभाग द्वारा मामला दर्ज किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या अभयारण्य क्षेत्र में अवैध निर्माण अतिक्रमण कर निवास बनाना उचित है? पुरातत्व विभाग और प्रशासन की अनुमति के बिना गिरनार पर्वत पर गेट का निर्माण क्यों? गिरनार पर्वत वन्य क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्यवाही के लिए मधु जैन की शिकायत को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 मई 2022 को गुजरात वन विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा गया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और पर्वत पर अवैध निर्माण जारी रहा। जूनागढ़ जिला जनगणना विभाग द्वारा जारी पुस्तिका में गिरनार पर नेमिनाथ मोक्ष स्थल की जानकारी ही प्रकाशित नहीं, क्यों? 1 अक्टूबर 2023 को पांचवी टोंक पर जैन यात्रियों द्वारा नेमिनाथ जय बोलने पर जानलेवा हमले का प्रयास क्यों? और गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 17 फरवरी 2005 को गिरनार की पांचवी टोंक पर जैन ही नहीं अपितु यहां आने वाले सभी लोगों को सुरक्षित दर्शन करने और किसी भी श्रद्धालु की शिकायत को 12 घंटों में पुलिस द्वारा कार्यवाही करने और चौथी से पांचवी टोंक के बीच चेक पोस्ट बनाकर सभी के सुरक्षित दर्शन के आदेश दिए गए थे। 20 वर्षों बाद आज तक इन आदेशों का पालन पुलिस प्रशासन नहीं करता और न ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका पालन करवा पाई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करने में नाकाम पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कोर्ट में अवमानना का केस आज तक क्यों दर्ज नहीं किया गया? जैनाचार्य कुंद परंपरा के शिष्य श्री कीर्ति द्वारा चित्रकूट से नेमिनाथ के तीर्थ गिरनार की यात्रा का उल्लेख गुजरात राजा मूला राजा द्वारा श्री कीर्ति के अनाहिल्लापुरा में स्वागत व मंडलाचार्य पद से सुशोभित करने का उल्लेख है और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित एपिग्राफिक इंडिका में 11 और 12वीं सदी में गिरनार में जैन तीर्थ का पुरातात्विक अकाट्य प्रमाण पूरे जिन शासन को चुनौती दे रहा है। गिरनार की महत्ता जितनी जैन शास्त्रों में वर्णित है अन्यत्र कहीं नहीं है। अब आप ये फोटो देखिए, ये जो कि 1887 में गिरनार जी पर जैन मंदिर की सुरक्षा करते प्राइवेट गार्ड्स की है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि यदि आज भी तीर्थ पर सुरक्षा होती तो तीर्थ पर अतिक्रमण नहीं होता। विश्व जैन संगठन लगातार गिरनार तीर्थ के लिए जो मांग कर रहा है, आप भी सुनिए। हमारी मांग है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी के अंदर है तो वहां पर क्यों नहीं है? हम चाहते हैं वहां पर कोई ना बैठे, जो हमारे चरण है, जो नेमी चरण है, वो खुले हों। भगवान नेमिनाथ की जो पाषाण प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है उसके दर्शन होने चाहिए। चौथी और पांचवी टोक के बीच में पुलिस चेक पोस्ट बने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मांग नहीं है, ये वो मांग है जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, ये वो मांग है जो आचार्य मेरुभूषण जी का अनशन के समय में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लाल मंदिर जी के अंदर आश्वासन दिया था। ये मांग है 2014 की, जब उस समय इलेक्शन में हमें जैन समाज को आश्वस्त किया गया था। हमारे पास सारे प्रमाण है, मेरे पास ऐसे 25 शिलालेख हैं जो उस पर्वतराज पर उज्जैन तुर्जैन रेवतगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी बात को अपने पूज्य संतों के आशीर्वाद से उनके पावन सानिध्य में जन जन तक पहुंचाएंगे कि आज अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। वहीं गिरनार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर जैन ने कहा कि हमें अब किसी से कोई सहूलियत की उम्मीद नहीं है, अपने तीर्थ के लिए आपको अब खुद आगे आना ही होगा। चूंकि हमें कानून से
पुरातत्व विभाग से, स्थानीय प्रशासन से अब कोई भी सहूलियत मिलने की कोई आशा नहीं बची है। लगभग 7,000 सीढ़ियां चढ़कर जैन श्रद्धालु गिरनार पर्वत की यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनके पूजा के अधिकारों का हनन हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर जी एवं श्री महेंद्र जैन जी ने कहा कि जब तक जैन समाज पंथवाद संतवाद से अलग नहीं आएगा और आंदोलन नहीं करेगा, तब तक ये आवाज शासन के पदाधिकारियों तक नहीं जाएगी। जैन समाज पंथवाद और संतवाद से बाहर जब तक नहीं आएगा, जब तक सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक जैनों की कोई भी आवाज प्रजातंत्र के इस युग में नेताओं और शासन के पदाधिकारियों तक नहीं जाएगी। यदि हम सभी जैन दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक वासी, मूर्ति पूजक, तारण पंथी, कांजी पंथी, सराक बंधु, नैनार हो, कासार हो, पिछड़े जैन आदिवासी हो, पुरुलिया के, झारखंड के हम आदिवासी हो, आदि आदि, जब तक हम अपने नाम के साथ जैन आवश्यक रूप से लिखना शुरू नहीं करते, तब तक भारत में जैनों की जनसंख्या 1.5 से 2 करोड़ निकलेगी, लेकिन ये जागृति लाना अब अपरिहार्य हो गया है। लगातार केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं, अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने ज्ञापनों के और प्रदर्शन के माध्यम से, कि गिरनार जी के 5वें टॉक पर जैन समाज को निर्बाध रूप से पूजन भक्ति का अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही वहाँ पर जो बाबा महेश गिरी और उनके समर्थकों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको भी वहाँ पर हटाया जाए। गुजरात सरकार से हमारा विनम्र आग्रह है कि गिरनार जी के 5वें टॉक पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं और वहाँ पर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था हो, ताकि जैन अनुयायी निर्बाध रूप से पूजन भक्ति कर सकें और भारत की अल्पसंख्यक जैन समुदाय के साथ न्याय हो सके। आपको याद हो तो विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने गिरनार पर सुरक्षित दर्शन के लिए 2024 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को याचिका भी दी थी। अब आपको एक विशेष बात और बताते हैं। मथुरा में कंकाली टीला, वाराणसी में राजघाट और देवगढ़ से प्राप्त 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमाओं में गृहस्थ अवस्था के उनके चचेरे भाई यदुवंशी श्री कृष्ण और बलराम और भगवान नेमिनाथ की प्राचीन प्रतिमाएं मथुरा, लखनऊ व देवगढ़ संग्रहालय में स्थापित। 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमाओं में गृहस्थ अवस्था के उनके चचेरे भाई यदुवंशी श्री कृष्ण और बलराम और भगवान नेमिनाथ की प्राचीन प्रतिमाएं मथुरा, लखनऊ व देवगढ़ संग्रहालय में स्थापित हैं। इसके साथ ही गिरनार पर्वत पर वस्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित जैन मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर 17 अप्रैल 1249 को उत्कीर्ण शिलालेख हमारे पास प्रमाणों के साथ है। तो वहीं गिरनार पर्वत पर देवकोटा या खंगार महल में स्थित नेमिनाथ मंदिर में उत्कीर्ण 14वीं से 15वीं सदी के शिलालेख में गिरनार को जैन शास्त्रों में उल्लेखित नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली उज्जयंत और रेवत संबोधित करते हुए यादव परिवार से मंदालिका राजा द्वारा गिरनार पर सोने की प्लेटों से नेमिनाथ भगवान के मंदिर बनाने का उल्लेख है। बड़ी बात तो ये है कि गिरनार पर्वत पर अन्य किसी धर्म के प्राचीन और प्रमाणिक पुरातत्व शिलालेख नहीं मिलते। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि गिरनार तीर्थ के साथ कैसी राजनीति हो रही है। तीर्थों के लिए उठ रही जैन फोकस की इस आवाज के लिए पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर जैन जी ने कहा कि ये सिर्फ प्रसारण नहीं है, पूरे भारत वर्ष के तीर्थों की एक कड़ी है। गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए मैं
जिनवाणी चैनल के सूत्रधारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये प्रसारण सिर्फ हमारे तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी नहीं, पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख कड़ी है। हम कहना चाहेंगे कि राजनीति के चक्कर में धर्म तीर्थ की रक्षा करना ना भूलें। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, धर्म रहना चाहिए, क्योंकि कई बार धर्म रक्षा के लिए समाज को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा है और अब लग रहा है कि वो समय आ गया है। आज की हमारी इस विशेष पेशकश में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी जैन धर्म से संबंधित प्रमाणों के साथ साक्ष्य हैं तो हमें जरूर भेजें, हम अपनी सीरीज में दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। जय जोशी।